हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती भी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत अच्छे हैं। और ठंडी बढ़ गई है, तो ऐसे में आप लोग अपनों का और अपना ख्याल रखिए। तो आज का ब्लॉग है रविदास पार्क, जो बनारस में बहुत ज़्यादा फेमस है और कपल्स लोग तो ज़्यादा ही जानते हैं उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पर कपल्स लोग का ताता थैया लगा रहता है। तो आना जाना है, और इसमें आप लोग को इस ब्लॉग में देखने को भी मिल जाएगा कि कुछ कपल्स वहाँ पर हैं। और बहुत अच्छा पार्क है, अगर आप लोग बनारस के हैं तो सभी लोग जानते होंगे, अगर बनारस से नहीं हैं तो वो उनके लिए तो ये खास ब्लॉग है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए। एक चीज़ आपको बताना भूल गई, क्योंकि मेरी फेसबुक आईडी है, आप लोग इसी चैनल के नेम से है, आरती भी ब्लॉग के नेम से, तो आप लोग वहाँ पर भी जाइए फॉलो कर लीजिए। और इंस्टा आईडी है चैनल के नेम से ही, तो आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो आप लोग को लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से जाइए फटाफट से फॉलो कीजिए और ढेर सारी बातें कीजिए। तो हाय गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं रविदास पार्क। तो ये पार्क देखिए बिल्कुल कितना सुंदर है। तो बैक साइड से ही दिखा देते हैं, फ्रंट कैमरा से ही दिखा देते हैं, बैक कौन करने जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा है। उस साइड पार्किंग है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं इसके अंदर, और मेरी एंट्री वहाँ से हुई है। इधर से हम लोग आए हैं। काफी दिन बाद आ रहे हैं इसमें। ये पेड़ काफी खूबसूरत लगते हैं, काफी इससे कितना ज्यादा खूबसूरत है। तो हम इस पे आ गए हैं मंदिर पे। इस पे जूता और चप्पल बिल्कुल भी आपको पहन के नहीं चढ़ना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। तो ये है रविदास जी, और इनका जो फेस है इस तरफ का है, तो मैं इस तरफ से दिखाती हूँ। तो बहुत ऊपर है और वहाँ से सीढ़ियाँ लगा हुआ है, तो लोग जो लोग भी इनको फूल दीपक जो भी जलाते हैं तो वहाँ से जाके चलाते हैं। तो यहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। तो बता दें कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, और ये यहीं पे हुआ था वाराणसी में ही। और ये माघ चल रहा है, तो माघ में ये जो पूर्णिमा है उसी दिन इनका बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चमक धमक रहता है। अभी तो रात में कुछ लाइट से बस रहेंगी और कुछ नहीं, तो अभी जो इधर सब लोग दिख रहा है तो कुछ देर में ये बंद हो जाएगा पार्क, तो सभी लोग चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन इनका उत्सव रहता है बहुत इसमें धूमधाम सजावट रहता है। और अभी मोदी जी भी इसमें आए हुए थे, तो आप लोग अगर वीडियो वायरल हुआ होगा तो देखे भी होंगे। तो हम पहले यहाँ पर 2-3 बार आ चुके हैं, और बहुत दिन बाद, 1 साल बाद ही समझ लीजिए कि हम यहाँ पर आए हैं। तो चारों तरफ दिखा रहे हैं, और ये छत है। बिल्कुल इस साइड से, और काफ़ी बड़ा में बनाया गया है ये मंदिर।
और यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पे कपल्स लोग बहुत आते हैं और इनसे ये गार्डन जो है कि गुलजार रहता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर भी खिल गए हैं। गर्मी में तो कुछ भी नहीं दिखते, तो चलिए अब चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एंट्री है, अब चलते हैं आपको पूरा हम गार्डन घूम के दिखाते हैं। तो ये चल रहे हैं, थोड़ा सा ये हिल रहा होगा कैमरा, तो दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ से आपको दिखा दें। जब यहाँ पे यही है तो यही दिखाएंगे। इसमें काफ़ी हरे भरे सारे प्लांट्स हो गए हैं। गर्मी में तो बस गुड़हल वाला पौधा ही रह जाता है, बाकी सब झड़ जाते हैं, सब सूखे सूखे से दिखते हैं। तो अभी हम वहाँ से आए हैं। कैसे लग रही है दिखा दूं, ये आप लोग देखे होंगे, प्रेमी प्रेमिका का मिलन है। आ गए हैं तो आप इस पे कपस लोग का आना जाना तो हमेशा लगा रहता है, तो ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। तो भाई साहब की नज़र भी लगता है मेरे पे पड़ रही है, उनका फेस मेरी तरफ है। तो चलते हैं इस तरफ। तो ये रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से आगे चलते हैं और उधर जो 80 घाट आया है वही गंगा जी भर गई हैं, तो मैं दिखाती हूँ उधर से चल के। ये देखिए तो हम यहाँ पर आ गए हैं, तो इधर से दिख रहा होगा आपको पानी 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 और कुहासा, सिर्फ दो चीज़ दिखेगा। तो ये इसका बहुत ये सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पर दीवार नहीं है, ऐसे जालियाँ लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ से माँ गंगा दिखती हैं सीधे, तो यहाँ से उनका दर्शन होता है, तो बिल्कुल इसे दीवार नहीं लगाया गया है। तो काफ़ी दूर में ये जालियाँ बस लगाई हुई हैं, दीवार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इस साइड। तो साफ सफाई भी चल रही है, रहन दे बेटे रहन दे तेरे हाथ न आने वाली। रहन दे बेटे रहन दे तेरे हाथ न आने वाली। अरे ये खरगोश है क्या? नहीं कुत्ता है, कुत्ता है कुत्ता।
तो अब लाइट्स भी जलने लगी है धीरे धीरे, और ये सूर्य भगवान का लाइट्स है। यहाँ से तो कतार लगी है कपसलोक की, और यहाँ से इसका व्यू हम जब उस पार से दिखाए हैं तो उस साइड थे, और ये जो पेड़ है बीच में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हम आ गए हैं इस साइड और इधर से निकल जाएंगे। इसका रोड उस साइड से भी है, दीवार साइड से। तो यहाँ से गार्डन का जो व्यू है बहुत ही सुंदर आ रहा था। ये पूरे एकदम लास्ट में है और यहाँ से बहुत खूबसूरत है, और ये चारों तरफ से यहाँ पे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। तो एक शॉट यहाँ से, और ये जो दोनों लोग आ रहे हैं यहीं से हम लोग भी चलते हैं, और इसी साइड से रास्ता है और बाहर निकल जाएंगे। चलिए चलते। इसकी आवाज़ आ रही है इधर से, लग रहा है कोई रो रहा है। और एक बार आए थे तो ये सब जो छोटे छोटे पौधे हैं बहुत बड़े बड़े थे, झाड़ जैसा। हम कह रहे हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। चलो चलते हैं। जी शाम में बिल्कुल धुंधला सा लग रहा है, अब कुहासा भी हल्का हल्का पड़ने लगा है, और जो जाली है उतना दूर से वो दिखाई नहीं दे रही है, बहुत हल्का आ रहा है। अब हम जा रहे हैं बाहर।